Jessica's Spoken English. आप सबका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स. You know very well that corona pandemic is going on. अभी corona चल रहा है. तो इस corona काल के अंदर हम कौन-कौन से sentences English में बोल सकते हैं? घर पे हो, ऑफिस पे हो, या तो स्कूल पे हो, या कहीं पे भी हम जाए, तो वहाँ पे एक 5 to 7 sentences है जो commonly हम use कर सकते हैं. So first, let's see one by one all the sentences. So keep watching till the end. First, keep distance. Keep distance. मतलब थोड़ा distance रखना है. ऐसा किसी को बोलना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं. Keep distance. Distance रखो भाई. Okay? कोरोना आ जाएगा. So keep distance. Then किसी भी चीज को कोई touch कर रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे directly? Don't touch anything. Don't touch anything. Okay? Then टच करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा तो भी हमें उसको एडवाइस देनी पड़ेगी. सो फर्स्ट वॉश योर हैंड प्रॉपरली. वॉश योर हैंड प्रॉपरली. प्रॉपरली हैंड वॉश करो उसके बाद ही टच करना है. ओके okay? उसके साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेयर मास्क. वेयर मास्क. मास्क पहनो. वेयर यानी कि पहनना. वेयर मास्क. मास्क पहनो. देन अगर हमें ऐसा बोलना है कि सैनिटाइजर का यूज करो तो हम ऐसा सिंपली बोल सकते यूज सैनिटाइजर. Use sanitizer and then touch. Okay? Sanitizer का use करो और बाद में कोई भी चीज को touch करो. Then कोई sneezing कर रहा है. Sneezing यानी कि छींक रहा है तो उसको हम ऐसे advice दे सकते हैं. Don't sneeze. क्या बोल सकते हैं? Don't sneeze without covering mouth. Mouth को cover किए बिना sneeze नहीं करना है. ओके क्योंकि छींकना नहीं. सो डोंट स्नीज विदाउट कवरिंग माउथ. उसके बाद हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं. हमें ऐसा लगे साइन और सिम्टम्स दिखाई दे तो हम उसको बोल सकते कंसल्ट डॉक्टर. डॉक्टर को कंसल्ट करो. डॉक्टर को मिलो. डॉक्टर को मिलो उसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते कंसल्ट अ डॉक्टर. और डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देंगे कोरोना टाइम पे उसकी तो कोई वैक्सीन है नहीं. ओके तो हमें ऐसा बोलेंगे इंक्रीज योर इम्यूनिटी. इंक्रीज यानी कि बढ़ाना. योर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी मतलब हमारे जो डिजीज है ओके उसको प्रतिकार करने की जो हमारे पावर है ओके तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी. सो इंक्रीज योर इम्यूनिटी तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको क्या करना है बढ़ाना. इंक्रीज यानी कि बढ़ाना. तो ये जो सभी सेंटेंसेस है इस कोरोना पैंडेमिक में हम इसका यूज कर सकते हैं एंड वेरी इजीली वी कैन स्पीक इंग्लिश. सो स्टे विद मी विद 1 मिनट इंग्लिश विद टेस्का स्पोकन इंग्लिश. और इसको शेयर करना भूलिएगा नहीं. थैंक यू.